अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर दोस्तों जो कुवैत से आ रही है, दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वहाँ के कुवैत के जो आमिर है उनका परसों इंतकाल हो गया था। तो दोस्तों इंतकाल होने के बाद दोस्तों बुधवार के दिन कल अच्छे से वहाँ पे उनका मिट्टी हो गया। दोस्तों देख सकते हैं जितने वहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर लोग हैं, बड़े बड़े लोग जितने लोग वहाँ पे आए हैं और जो हाथ में जनाजा है दोस्तों वो आमिर साहब का ही वो जनाजा है। तो फिलहाल दोस्तों कल बुधवार के दिन वहाँ पे कुवैत में वहाँ पे आमिर साहब का वहाँ पे कल मिट्टी हो चुका अच्छे से। तो वहाँ पे जो भी लोग थे सब आए, वहाँ पे मिट्टी हुआ, बहुत काफ़ी तादाद में वहाँ पे भीड़ थी। तो साथियों उनका फिलहाल अब मिट्टी हो चुका है। अगली खबर साथियों जो आ रही है, 25,800 वॉयलेशन इशू। दोस्तों 25,822 वॉयलेशन हुआ है 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक ट्रैफिक डिपार्टमेंट। दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिकों को वहाँ रूल को वहाँ पे तोड़ा जा रहा है, जिनमें से दोस्तों बता दूँ 4,894 वॉयलेशन सीज, 3 व्हीकल रेफर टू 12 वॉयलेशन फॉर ट्रैफिक ग्लासेस। तो दोस्तों वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे वॉयलेशन वहाँ पे किया जा रहा है, नियम कानून को वहाँ पे तोड़ा जा रहा है, जिसके बाद वहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रैफिक नियम जैसे जैसे वहाँ पे टाइट हो रहा है वैसे वैसे नियम भी लोग वहाँ पे तोड़ रहे हैं और फाइन सभी को भरना पड़ रहा है। अगली खबर साथियों आ रही दोस्तों, वो तो आपको पता ही साथियों कि वो आमिर साहब का वहाँ इंतकाल हो गया है, वो मंगलवार के दिन हुआ था। तो इसमें दोस्तों वहाँ 40 दिन के लिए वहाँ पे मौन रखा गया है। 40 दिन तक दोस्तों वहाँ पे सभी वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर जितना भी वहाँ पे कोई भी पार्टी वगैरह फंक्शन वगैरह नहीं मनाया जाएगा। और साथियों आपको बता दूँगा जितने वहाँ पे गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है सभी वहाँ पे 3 दिन के लिए बंद रहेगा शनिवार तक, और वहाँ पे संडे को जो भी चीज़ है वो खोला जाएगा। पर दोस्तों वहाँ पे एक अफवाह बहुत ही ज़्यादा उड़ रही है। दोस्तों एक बात बता दूँ, वहाँ पे बैंक भी 3 दिन के लिए बंद है, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका, पर दोस्तों वहां पे एक अफवाह बहुत ज्यादा उड़ रही है। अफवाह यहां पे ये उड़ रही है कि नो टोटल कर्फ्यू फ्रॉम वेडनेसडे 8 AM टू संडे 4 PM। दोस्तों वहां पे एक अफवाह उड़ाई गई है कि बुधवार से लेकर वहाँ पे संडे सुबह 4 बजे तक वहाँ पे कर्फ्यू लगा रहेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई भी बात नहीं दोस्तों। ये सिर्फ आपको देखने को व्हाट्सअप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देखने का मिलेगा, पर ऑफिशियल न्यूज़ दोस्तों ये आ चुकी है कि दोस्तों कोई भी ऐसी कर्फ्यू नहीं है। बस हाँ वहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर है जो भी काम वगैरह वो सारा कुछ बंद है, कोई भी पार्टियाँ फंक्शन वगैरह गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होगी। जो प्राइवेट कंपनी को बंद करना है तो कर सकता है, नहीं करना है तो नहीं कर सकता है। तो दोस्तों बता दूँ आपको, जो बोला गया है कि आज सुबह 8 बजे से लेकर बुधवार को सुबह मॉर्निंग ये 4 बजे संडे तक ये कर्फ्यू लगा, ये बिल्कुल अफवाह, ये सब बातों में बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे आप कीजिए। तो साथियों ये कुछ खबर थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को कुवैत की जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।